मास्टर की हम 2019 कर रहे हैं हम, उसमें आज हमने करनी है पैरामेट्रिक मॉडलिंग। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, नया मॉड्यूल आया है मास्टर कैम के अंदर, सॉरी ऑटो कैड के अंदर। तो इसमें हमारे को पहले हम क्या करते थे, हमने एक लाइन लगाई। ठीक है, लाइन कैसे लगाते थे, ऐसे 10 की लाइन लगा दी, तो ये 10 की लाइन लगा दी। अब हम क्या करेंगे, ऐसी कोई भी एक रैंडम लाइन लगा देंगे बिना नाम के। ठीक है, अब मेरे को चाहिए 50 की, पैरामेट्रिक में जाएंगे, यहाँ पे लीनियर डायमेंशन देंगे, कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट करूँगा उसके बीच में डायमेंशन आने लग जाएगी। ठीक है, अगर मैं अगर इसको कर दूँगा 60 या 50 जितना भी चाहिए मुझे एंटर, तो ये 60 की हो जाएगी। कभी भी मुझे मॉडिफाई करना है डबल क्लिक करके, मैं इसको 80 तो डबल क्लिक करके बड़ा कर सकता हूँ, कभी भी मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, जितनी मेरे को वैल्यू चाहिए उतनी मैं चेंज कर सकता हूँ। पहले वाली जो ड्राइंग हम लगाते थे लाइन, उसमें मैं डायमेंशन चेंज नहीं कर पाता था, पर पैरामेट्रिक मॉडलिंग में मैं डायमेंशन को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। ठीक है, सपोज करो मेरे से बाय चांस एक लाइन लगा रहा था, मैं ऐसे हॉरिजेंटल लाइन लगा रही थी और मेरे से गलती से वो लग गई टेढ़ी, और तो बंद कर देता हूँ मैं, तो मेरे से ऐसे टेढ़ी लग गई। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास वर्टिकल, तो इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये वर्टिकल हो जाएगा। कभी भी किसी भी डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं, कोई भी डायमेंशन दे सकते हैं, सिर्फ लाइन की डायमेंशन नहीं, हम कोई भी दो पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, लीनियर डायमेंशन लो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ऐसा एंगल भी कोई सर्कल वगैरह देखते जाओ। ठीक है, जो भी डायमेंशन देनी दे सकते। अगर मेरे को मान लो मेरे से लाइन ऐसे टेढ़ी लग गई, तो इसको पैरामीटर में जाके हॉरिजॉन्टल कर सकते। अगर ऐसे लाइन लग गई तो हम पैरामीट्रिक में जाके वर्टिकल। ठीक है, अब जैसे ये दोनों पॉइंट जुड़े नहीं है आपस में, यहाँ पे ऑप्शन है कोइंसिडेंट, दोनों पॉइंटों को सिलेक्ट करेंगे वो दोनों पॉइंट आपस में जुड़ जाए। अब अगर मैं इसको डायमेंशन दूंगा और मैंने इसको बोल दिया मुझे जी 80 चाहिए, तो ये दोनों लाइनें आपस में जुड़ी ही रहेंगी, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, वो दोनों लाइनें आपस में कोइंसिडेंट रहेंगी। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास कोई दो लाइनें हैं और मैं उन दोनों पॉइंटों को कोइंसिडेंट कर देता हूँ, तो वो बाकी की लाइनों को भी साथ में लेके ही आएगी। ठीक, एक पॉइंट ये दे दो तो वो इधर आ गए। ठीक है, जिसको पहले सेलेक्ट करेंगे वो फिक्स रहेगी, दूसरी वाली अपनी जगह छोड़ देगी। ठीक है, तो ये ब्लू आ गया कोइंसिडेंट, मैंने ये वाली लाइन को बोला यहाँ पे आ गया तो वो हिला, बट मैं चाहता हूँ कि ये हिले अपनी जगह से, तो मैं पहले इसको सेलेक्ट करूँगा फिर इसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कोइंसिडेंट, अब जैसे ये वाली लाइन जो है लंबी है और ये वाली लाइन अलग अलग हो, अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को कोइंसिडेंट कर दूँ तो वो ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। ये वाला पॉइंट मुझे फिक्स रखना है, ये वाले को हिलाना है, ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी, क्योंकि इस लाइन की डायमेंशन नहीं दी थी हमने, इसकी भी नहीं दी थी, तो ये इसके बराबर हो गया ऑटोमेटिक। अब कल को मैं इसको चेंज करूँगा, डबल क्लिक करूंगा, चेंज करूंगा 120। ठीक है, तो यानी कि अगर मुझे कोई भी लाइन लगानी है तो मुझे उसको डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है, पैरामेट्रिक में जाओ लीनियर डायमेंशन दो, अगर आपको टेढ़ी नहीं चाहिए तो इसको हॉरिजॉन्टल कर लो, अगर वर्टिकल करना है तो वर्टिकल।
अभी वर्टिकल करने से प्रॉब्लम क्या हुई, तो देखो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को मैंने छोड़ दिए उसने, जैसे ही मैं इसको वर्टिकल किया वो हट गए, ये दूर चला गया ये दूर चला गया। क्यों चले गए? क्योंकि वो जुड़े नहीं हुए। कैसे पता लगेगा जुड़े हुए हैं? वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ऑटो कंस्ट्रेंट है, ऑटो कंस्ट्रेंट। अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करके एंटर दबा दूँ तो वो ऑटो कंस्ट्रेंट लगा देता है। मान लो मैंने कोई एक ड्राइंग ऐसे बना ली कुछ भी, ठीक है, और मैं इसको कर दूँ पैरामीट्रिक में ऑटो कंस्ट्रेंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंटर, तो ये देखो इसने इसको वर्टिकल कर दिया, इन दोनों लाइनों को पैरेलल कर दिया और ये पॉइंट लगा दी। ठीक है, बाकी सारा कुछ तो ठीक था, मुझे ये पैरेलल नहीं चाहिए तो इनको मैं डिलीट कर सकता हूँ। जो रिलेशन नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दो, जो चाहिए उसको रख लो। ठीक है, अगर अगर मैं लीनियर डायमेंशन दूंगा तो ये आपस में जुड़े रहेंगे। सॉल्व कर दिया, एंटर, तो वो सॉल्व हो जाएगा। जो लाइन की डायमेंशन जितनी हमारे को चाहिए, अलाइन डायमेंशन कर देंगे तो अलाइन डायमेंशन आ जाएगी। अगर लीनियर डायमेंशन कर देंगे तो लीनियर डायमेंशन आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन चाहिए, लीनियर डायमेंशन चाहिए, कौन सी डायमेंशन चाहिए? वर्टिकल डायमेंशन चाहिए, कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट कराने तो वर्टिकल डायमेंशन। कभी भी डबल क्लिक करके हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे को बाद में याद आया, नहीं यार ये तो मेरी लाइन हॉरिजॉन्टल थी, कोई दिक्कत नहीं है, हॉरिजॉन्टल लो उसका रिलेशन दे दो तो वो ओरिजेंटल हो गया। उसने डायमेंशन चेंज नहीं करी और चेंज हो, जो भी डायमेंशन चाहिए ओरिजेंटल एक पॉइंट, ये कितने चाहिए मैं कहिए। ठीक है, सॉलिड वर्क्स हो गया, एनएक्स हो गया, कैटिया हो गया, उन सब में पैरामीट्रिक मॉडलिंग से ही ड्राइंग बनती है। क्रियो का तो नाम ही क्रियो पैरामीट्रिक है, ये ना प्रोई जो हो गया, क्रियो हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर में पैरामीट्रिक ही बनती है। तो वो ऑटोकैड वालों ने भी नया मॉड्यूल इसमें डाल दिया है पैरामीट्रिक मॉडलिंग का। ठीक, वर्टिकल कर देंगे तो वर्टिकल आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, कुछ मर्जी बनाना, गियर वगैरह बनाना होगा ना तो वो पैरामीट्रिक से ही बनेगा, क्योंकि कल को टीथ चेंज हो गए, पिच चेंज हो गई, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। वो सारे कुछ बनाने के लिए हमारे को पैरामीट्रिक में ही काम करना। अगर मेरे पास मान लो कोई सर्कल लगा हुआ है, ठीक है, और एक लाइन लगी हुई है, तो पैरामीट्रिक में जाके हम इन दोनों को टेंजेंट भी कर देंगे। ठीक है, पहले हमारे को जो राइट क्लिक करके टेंजेंट लेना पड़ता था, शिफ्ट राइट क्लिक करके, वो नहीं लेना पड़ेगा, टी लिख के एंटर करते थे, वो नहीं लेना पड़ेगा। अब इसको हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, जो मर्जी कर लो। ठीक है, मेरे को कोइंसिडेंट करना है ये वाला पॉइंट इस सर्कल के ऊपर, वो तो कहता टेंजेंट है ये ऑलरेडी। फालतू का अगर मैं ट्रिम कर दूँ तो ट्रिम हो जाएगा। पैरामेट्रिक में जाके ऑटो कंस्ट्रेन कर दूं तो ये एंड पॉइंट जो है ये सर्कल के साथ चिपक जाएगा, आ गया ना ब्लू पॉइंट। कल को कभी भी डायमेंशन चेंज करनी है, डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। रेडियस देना है, रेडियस दे सकते हैं। कितना रेडियस चाहिए? मैंने कहा जी मुझे 30 चाहिए, तो वो टेंजेंट भी रहेगा 30 भी हो जाएगा। अब जैसे ये हिल गया, ध्यान से देखा तुमने, जब मैंने इसको डायमेंशन दी तो ये अपनी जगह छोड़ गया। ठीक है, तुम क्या कर सकते हैं? ताला लगा सकते हैं, लॉक लगा सकते हैं। ये वाला पॉइंट मैंने कहा जी लॉक है। अब कल को अगर मैं बढ़ाने की कोशिश करूँगा या कम करने की कोशिश करूँगा तो वो सर्कल इधर आएगा, वो लाइन उधर नहीं जाएगी। यानी कि जिस पॉइंट को मैं लॉक कर देता हूँ, गलती से टेढ़ी लग गई, मैंने पैरामीट्रिक में हॉरिजॉन्टल कर लिया। ठीक है, कोई ऑटो कंस्ट्रेन करके दोनों को जोड़ भी लिया और इसको डायमेंशन भी दे दी।
सॉरी हॉरिजेंटल डायमेंशन देनी थी, डायमेंशन भी दे दी कितनी चाहिए मैं अपनी, ठीक, जिसको मैं लॉक कर दूंगा। मान लो मैंने ये 200 डायमेंशन देने की बजाय ये पॉइंट को लॉक कर दिया, तो वो पॉइंट भी लॉक हो गया। अब मैं अगर इस पर डायमेंशन देने की कोशिश करूंगा और इसको करूंगा 330, तो एरर आएगा। वो कहता है कि ये क्रिएट जो डायमेंशन है ये रेफरेंस डायमेंशन में बना सकता हूँ, क्योंकि ये ओवर कंस्ट्रेन हो रहा है, तो हम ज़्यादा डायमेंशन नहीं बना सकते। नहीं देखो मैं मेरी बात समझ, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, इसको ऑटो कंस्ट्रेन कर दिया, चारों पॉइंट जुड़ गए। अब मैंने इसको हॉरिजेंटल दे दिया, हॉरिजेंटल डायमेंशन मान लो दे दी 70, और वर्टिकल डायमेंशन मैंने इसको दे दी 150। तो पहले हम क्या होता था, इस साइड भी डायमेंशन दे सकते होते थे, अब नहीं दे सकते। इसमें कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे डायमेंशन देने की कोशिश करूँगा 145 या 146 कुछ भी, तो वो कहेगा नहीं ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने उधर दे दी। तो यानी मैं ओवर डायमेंशनिंग नहीं कर सकता, ज़्यादा डायमेंशनिंग मैं नहीं दे सकता, ठीक है ना। जितनी ज़रूरत है उतनी ही दी जा सकती है, ठीक है। अब ये पॉइंट मेरे को पता है मेरा लॉक है, जब मैं इसको कोइंसिडेंट करने की कोशिश करूँगा, चाहे पहले उसको सिलेक्ट किया हो चाहे पहले इसको करूँ, हिलेगा वही जो अनलॉक होगा। पहले क्या हो रहा था, जिस पे मैं पहले क्लिक कर रहा था वो फिक्स रह रहा था, बाकी का हिल रहा था। अब क्योंकि ये लॉक लगा हुआ है इसलिए चाहे कोई भी हिले, कोई भी कुछ भी हो, हिलेगा वही जो अनलॉक है, ठीक है, जिसको डायमेंशन नहीं गिवन है। अब देखो ध्यान से, मेरे पास एक सर्कल मारा मैंने और छोटा सा, और पैरामीट्रिक में जाके कंसेंट्रिक का, अब हमारे पास ये लाइन लॉक है, इसकी वजह से ये सर्कल भी लॉक है। अगर मैं चाहे इसको पहले सिलेक्ट कर लूं चाहे इसको कर लूं, हिलेगा वही। कंसेंट्रिक का मतलब है दोनों का सेंटर एक जगह पे आ गया। डायमीटर देना है तो डायमीटर दे लो, रेडियस देना है तो रेडियस दे लो। कभी भी हम कोई भी डायमेंशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, छोटा करना छोटा कर लो, बड़ा करना बड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अनलॉक कैसे करेंगे? अनलॉक नहीं कर सकते, उसका रिलेशन लॉक वाले को डिलीट ही करना पड़ेगा। अच्छा, वो इसको सेलेक्ट करके डिलीट दबा देंगे तो डिलीट हो जाएगा। अनलॉक डिलीट और लॉक वाला डिलीट हो जाएगा। हाँ, लाइन ही डिलीट होगी। नहीं, लाइन नहीं डिलीट होगी, रिलेशन कहते हैं ये रिलेशन है, कंस्ट्रेन कहते हैं, कंस्ट्रेन ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेन बोलेगा ना, ऑटो कंस्ट्रेन। और मैंने सपोज कर कोई लाइन लगाई टेढ़ी लग गई मेरे से, यहाँ पे लगाए तो मैं इसको परपेंडिकुलर भी कर सकता हूँ, इसको परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑटो कंस्ट्रेन करके दोनों पॉइंटों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारा खिचड़ी सी पक गई है, देखो कितनी डायमेंशन है ये वो, हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं डायमेंशन, कंस्ट्रेन हाइड हो गई, यहाँ से डायमेंशन हाइड हो गया, जब चाहिए हो ऑन कर लो, शो ऑल, शो ऑल कंस्ट्रेंट, जो चीज ऑन करनी है ऑन कर सकते हैं, ठीक है। हाइड ऑल कर देंगे तो सारी डायमेंशन हाइड हो जाएंगी, हाइड ऑल कर देंगे तो सारे कंस्ट्रेंट हाइड, शो ऑल कर देंगे। ये डिलीट कंस्ट्रेंट है, कोई चीज डिलीट करनी है, जैसे तुम कह रहे थे फिक्स का रिलेशन करना है, तो डिलीट कंस्ट्रेंट ये इसको सेलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर, तो उसके रिलेशन सारे कंस्ट्रेंट डिलीट हो गए। और उससे अच्छा तरीका जो मैंने तुम्हें पहले बताया वो ये है, इसको सेलेक्ट करके डिलीट दबा दो, ठीक है ना, वो लॉक डिलीट हो जाए, वापस ले आते हैं। जितने भी हमने यहाँ पे डायमेंशन दी हैं वो सब यहाँ पे आ गई एफ एक्स पैरामीटर में, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं डायमेंशन, डबल क्लिक करो इसको 60 कर दो तो वो 60 हो गई, चाहे इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो, एक ही बात है।
एक जो है और बड़ी मजेदार है, अब ये है डाया 30, ये है डी 15, ये है डाया 1, ये है रेडियस 1, ये है डी 13, सारी डायमेंशनों के नाम लिखे हुए हैं, ये डी 7 है, ये डी 14 है। तो मैं ऐसे रिलेशन दे सकता हूँ कि ये डी 8 डी 7 से कितनी छोटी होगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी 7 डिवाइड बाय 2, यानी जितनी डी 7 हो उसको आधा करके यहाँ पे, देखो चेंज हो गई ना वो डायमेंशन। अब कल को इस डायमेंशन को मैं बड़ा करूँगा या छोटा करूँगा तो वो डायमेंशन ऑटोमेटिकली चेंज होगी। अगर मैं इसको 234 कर देता हूँ तो वो लेंथ अपने आप चेंज होगी क्योंकि हमने उसका रिलेशन लगा दिया। ठीक, दोबारा से अलग से देखते हैं, मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, एक और लाइन है, ठीक है, इसको मैंने पैरामीट्रिक में जाके डायमेंशन दे दी लीनियर 220, ठीक है, इसका नाम है D16, इसको डायमेंशन दे दी मैंने D16 प्लस 15, यानी जितनी D16 हो प्लस 15 हो जाए, एंटर। तो कल को चेंज करेंगे इसको, अगर मैं कर दूं 200 तो वो 215 हो जाएगी, ठीक, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ 300 तो ये वो भी 315 हो जाएगी, यानी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी लगा सकते हैं, ये ना जो रिलेशन दे देंगे वो रिलेशन आ जाएगा, एफ एक्स मैनेजर में भी आ जाएगा पैरामीटर। ठीक है, रिलेशन लगा गया। तो एक और बड़ी अच्छी चीज है इसमें, ये हमने कर लिया कोइंसिडेंट भी कर लिया, पैरेलल भी कर लिया, टेंजेंट भी कर लिया, यह है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है? अब कोई सपोज करो मेरे पास एक लाइन ऐसे लगी, अब ये ऊपर नीचे हो गई, अब मुझे इनको एक दूसरे की सीध में ले गया, पैरामीट्रिक में गए, कोलिनियर में गए, इसको सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट, तो वो एक दूसरे की सीध में आ गए कोलिनियर में। ठीक, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये दोनों ऊपर नीचे हैं, कोलिनियर। अब जिसको पहले फिक्स रखना है उसको सेलेक्ट करो, दूसरे को सेलेक्ट करो, या फिर पहले इसको लॉक कर लो, दो तरीके हैं, जो लॉक होगा वो नहीं ये लेगा। ठीक, एक ये सिमेट्रिक, ये बड़ी अच्छी है कमांड, सिमेट्रिक। अब सपोज करो मेरे पास एक लाइन लगी है, जैसे मिरर में होता है, इसके एक साइड सर्कल है, एक साइड और सर्कल है, पैरामेट्रिक सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो और सिमेट्रिक लाइन सेलेक्ट करो, अब ये दोनों सर्कल एक दूसरे के साथ सिमेट्रिक हो गए। मैं एक डायमेंशन चेंज करूंगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज होगा। ठीक, मतलब मिरर करने की जरूरत ही नहीं, आप इस साइड चेंज करते जाओ उस साइड वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। सिमेट्रिक डायमेंशन हम इसे इस साइड एक और सर्कल लगा ले, उस साइड भी एक और सर्कल लगा ले, फिर ऐसे सिमेट्रिक रिलेशन देना पड़ेगा। अच्छा, पहले रिलेशन देना पड़ेगा। हाँ, तो ये सर्कल है, चाहे दूर हो ये यहाँ है, ठीक,
मैट्रिक तो करना पड़ेगा। हाँ मैट्रिक लिया, दोनों सर्कलों को सिलेक्ट किया और लाइन कौन सी मिल गई तो वो मैट्रिक हो जाएगा। उसके बाद जो चेंज करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। जो भी रिलेशन लगाएंगे, जो भी एक्सप्रेशन लगाएंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे वैल्यू। वो तो इनमें से अगर कोई ढूंढा बहुत सारी डिमेंशन हो जाएंगे। अच्छा। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा डी नाइन वो डी नाइन सामने आ जाएगा, क्योंकि इतनी सारी डिमेंशन में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा ना, तो उस वजह से हम फिर कर सकते हैं। ठीक है, पैरामीट्रिक पैरामीट्रिक में हमने ये सारे कर लिए। इक्वल भी कर सकते हैं, जैसे अब ये दो सर्कल हैं कोई भी मान लो लगा लेते हैं कुछ, एक सर्कल यहाँ लगा लिया, एक सर्कल कहीं और लगा लिया, मान लो यहाँ लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं, कहीं मर्जी लगे हो। पैरामीट्रिक में जाएंगे इक्वल करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और कल को एक का रेडियस चेंज करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसको बड़ा करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। ठीक, ट्रिम नहीं करना, एक बात हमेशा याद रखनी है, पैरामीट्रिक में ट्रिम नहीं करना। ट्रिम कर दिया तो वो रिलेशन खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए ट्रिम नहीं करना। ठीक है, एक और ट्यूटोरियल बनाएंगे वीडियो, उसमें तुम्हारे को एक ड्राइंग बना के दिखाऊंगा। ठीक है, पहले ये सारे कंस्ट्रेंट आने चाहिए तभी डिमेंशन बनेंगे, पहले इनको करके देखना पड़ेगा। ठीक है, ये पैरामीट्रिक मॉडलिंग। नीचे सर मॉडल के साथ में जो है।